अमरीका के साबिक सदर और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी वजारत इंसाफ का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमरीका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी के मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मजीद तफसलात का इंतजार है, अमरीकी हुकाम से राबते में। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 13वां रोज, हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुजाकरात का 4था दौर आज होगा। मंगल को मुजाकरात के 3रे दौर के बाद लियाकत बलोच ने कहा आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं, हुकूमत टैक्सेस वापस ले। वफाकी वजीर इत्तिलात अताउल्लाह तारड़ ने मुजाकरात को मुस्बत करार दिया। कौमी असेंबली से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट 2024 तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। बिल सेनेटर तलाल चौधरी ने पेश किया। तरमीमी बिल के तहत इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्रर मुद्दत में फहरिस्त जमा ना कराने पर कोई पार्टी मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं होगी। उम्मीदवार की जानिब से किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तंसीख होगा। सिंध हाई कोर्ट न्यू बार रूम की कैंटीन में गैस लीकेज के बाद धमाका, खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारों को भी नुकसान। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। मरी और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके जेरे आब, बिजली भी मुअत्तल। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब की जानिब से माह अगस्त में 1 लाख पौधे लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पौधा लगाकर किया। गवर्नर पंजाब ने कहा दरख्त लगाना हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने कहा अगस्त के महीने में 1 लाख पौधे लगाने का मिशन पूरा करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे।